प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों, उर्दू का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं और आपको सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बता दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, चाहे आप लोग साइंस से हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से रहोगे तो तीनों सब्जेक्ट में आपका सेम मिलेगा विषय कोड। साइंस के लिए विषय कोड 160 रहेगा, कॉमर्स के लिए 260, आर्ट्स के लिए 360, टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए बिना देरी करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले जो आप तो देखिए, इसमें जो पूछा है ना सेशन में, क्या बोला 1 से लेकर 30 तक प्रश्न है, इसमें से किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है, ठीक है। 25 प्रश्न ही आपको बनाना हो। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला, और उससे पहले आपसे एक चीज बता दूं, मुझे उर्दू पढ़ने के लिए नहीं आता, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर की बताऊंगा, क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो यहां देखिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन यहां पर आपके सामने दिया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आप नोट करिए, ऑप्शन पहला का बिल्कुल यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आप लोग गुस्सा मत करिएगा, मैं हिंदू इसलिए मैं आंसर आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, दो नंबर क्वेश्चन है, दो का आंसर की नोट करिए, तो दो का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल नोट करिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, दो का राइट आंसर सी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तीन नंबर का आंसर क्या आप नोट करिएगा, तो तीन का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा, तीन नंबर का सी नोट कर लीजिएगा आप लोग। चार नंबर क्वेश्चन है, चार का आंसर की अगर आप लोग नोट करेंगे तो ऑप्शन इसका बिल्कुल डी हो जाएगा, चार का ऑप्शन आप लोग डी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाँच नंबर का देखो, पाँच का आंसर की क्या होगा, तो पाँच का आंसर क्या आप नोट करो, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, पाँच का बी राइट होगा। छः नंबर का देखो, तो छः नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल इसका जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा, छः नंबर का नोट करोगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, छः के बाद देख लो, सात नंबर है, सात का आंसर की नोट करोगे तो सात का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सात का नोट करोगे तो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बी करेक्ट होगा। और आठ नंबर क्वेश्चन देख लो, आठ का राइट आंसर नोट करोगे तो इसका ऑप्शन बिल्कुल जो है ना आठ का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आठ का नोट करोगे तो बी बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नौ नंबर है, नौ का आंसर की नोट करोगे तो इसका बिल्कुल ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तो नौ का आप लोग क्या नोट करोगे, डी ऑप्शन जो है ना नोट कर लो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दस नंबर क्वेश्चन है, दस का आंसर की नोट करोगे तो इसका राइट आंसर बिल्कुल जो है ना दस का बी करेक्ट हो जाएगा, दस नंबर का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दस के बाद है ग्यारह नंबर क्वेश्चन, ग्यारह का आंसर की नोट करोगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ग्यारह नंबर का ऑप्शन नंबर सी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिएगा क्वेश्चन आपसे जो है ना, 12 नंबर बोला, 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर की नोट करोगे तो 12 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 12 का आंसर किया क्या नोट करोगे, ए नोट कर लोगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 का आंसर की नोट करोगे तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 13 नंबर का क्या हो जाएगा, 13 नंबर का ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखो 13 के बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, 14 का आंसर की नोट करोगे तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 14 का सी बिल्कुल नोट कर लो। 15 नंबर है, 15 का देख लो, 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ना बिल्कुल यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा, 15 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, 15 के बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, 16 का आंसर की नोट करोगे ना तो इसका राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, चलो बिल्कुल 16 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा, तो 16 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को नोट कर लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर की नोट करोगे ना तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा, 17 का राइट आंसर आप लोग सी नोट कर लीजिएगा, क्या नोट करिएगा, सी नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 17 के बाद आप लोगों के सामने जो है ना 18 नंबर प्रश्न बोला है, 18 का आंसर की नोट करोगे तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, तो 18 का क्या नोट करोगे, ऑप्शन नंबर बी नोट करोगे। 19 नंबर है, 19 का आंसर की देखो तो 19 का ऑप्शन बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग क्या नोट कर लोगे, डी नोट कर लोगे। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 19 का बाद देखो यहां पर 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 का आंसर की अगर नोट करोगे ना तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है ना डी करेक्ट हो जाएगा, तो 20 का ऑप्शन आप लोग क्या नोट कर लोगे, डी नोट कर लोगे। 20 के बाद 21 नंबर है, 21 का आंसर की नोट करोगे ना तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, तो 21 नंबर का डी आप लोग यहां पर क्या करोगे, नोट कर लोगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 21 के बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, 22 का आंसर की नोट करो तो 22 का बिल्कुल ऑप्शन जो है ना यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा, तो 22 नंबर का क्या नोट करोगे, 22 नंबर का बी नोट कर लो। 22 के बाद देखो यहां पर 21 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 का आंसर की नोट करोगे ना तो बिल्कुल इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो 23 नंबर का क्या नोट करोगे, ऑप्शन बी नोट कर लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 का आंसर की नोट करोगे तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा, 24 का क्या नोट करोगे, 24 का सी नोट कर लो। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 का आंसर की क्या नोट करोगे, फटाफट से नोट करो, 25 का ऑप्शन आपका यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर
आंसर भी हम बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलो तो इसके पहले चलो सब्जेक्टिव का ही आंसर की डाउनलोड करने के लिए बता। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन कर लो, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लो और इस पे मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लो, जिस चैनल पे भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना। तो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो फटाफट से आप लोग क्या करो, चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लो। सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करो, ऊपर फर्स्ट में ही देखोगे मिथुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन साइड आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद देखो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है आपके सामने देखो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओपन जैसे ही हुआ ना क्या करो, स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ। इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो देखना आपके सामने क्लास 12th का सेशन यहाँ पर मिलेगा देखने को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखो यहाँ पर मिल गया ना क्लास 12th का सेशन, ये देख लो क्लास 12th का सेशन, बिहार बोर्ड क्लास 12th जुलाई मंथली एग्जाम लिखा है, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो आप जो है ना किसी भी सेशन से कर सकते हो जो है ना इसका पेपर डाउनलोड उर्दू का। तो आप देखो ये साइंस का सेशन है, साइंस के सेशन में भी उर्दू का आंसर की डाल दें। फिलहाल आप आर्ट्स का ऑल एग्जाम होगा तो आर्ट्स वाले बच्चों का भी फिलहाल एग्जाम बचा हुआ है ना, साइकोलॉजी का होगा, सोशोलॉजी, इकोनॉमी, ये सब के लिए हम वीडियो डालेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हिस्ट्री, होम साइंस, इसके अलावा उर्दू, म्यूजिक, मैथिली, फिलहाल उर्दू का करना है ना, तो देखो उर्दू है इसके सामने डाउनलोड लिखा है ना, डाउनलोड पर क्लिक कर लो। क्या करोगे, डाउनलोड पर क्लिक कर लो। जैसे ही क्लिक करोगे देखो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो गया। क्या करना है, आते ही पेज को आप लोगों को रिफ्रेश करना है। कैसे रिफ्रेश करोगे, पेज को जो है ना ऊपर की ओर खींच दो, पूरे पेज को ऊपर से नीचे की ओर खींच दो, रिफ्रेश हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हम जैसे ही क्वेश्चन आंसर डालेंगे ना तो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, नीचे आओगे ना सबसे पहले देखो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन पर क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसी चैनल पर साइंस आर्ट्स दोनों का लाइव क्लास होता है, साइंस का 7 बजे क्लास होता है, आर्ट्स का 8 बजे, तो जरूर जुड़ना। तो देखो ये आपका जो है ना प्यार बच्चों ऑब्जेक्टिव का आंसर की, इसे लिखना चाहो तो लिख लेना, आपका मर्जी जो हो। आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर ना मैं शॉर्ट क्वेश्चन में बता दूँ, पहला नंबर का उत्तर यहाँ पर दिया हूँ, पहला में ए नंबर का, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और फिर पहला का बी नंबर का उत्तर ये दिया हूँ और पहला के सी नंबर का उत्तर ये दिया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5-10 नंबर के लिए, पहला का डी नंबर का उत्तर दिया हूँ, पहला का जो है ना ई नंबर का उत्तर दिया हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर ले, लॉन्ग क्वेश्चन में देख लो जो है ना 2 नंबर का पहला का उत्तर दिया हूँ, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पर 2 नंबर का, ये बस 2 ही नंबर का है, ठीक है, 2 ही नंबर का 3 पॉइंट देना था। चलो फिर आगे बढ़ोगे तो बी नंबर का उत्तर देखो यहाँ से यहाँ तक होगा, और फिर आगे बढ़ोगे तो ये देखो यहाँ तक आपका बी का उत्तर था। अब देखो ये आपका सी का उत्तर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा किसका हो जाएगा, सी का उत्तर हो जाएगा। अगर इसे लिखना चाहो तो लिख लेना प्यारे बच्चों, मेरे पास 2 पेपर आया है, ठीक है ना, मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना प्यारे बच्चों, मैं बता दूँ, आप उसको लिखना चाहो तो लिख लेना। बट प्यारे बच्चों मेरे पास 2 पेपर आया है, आप एग्जाम देने के लिए जाओगे जो है ना 25 जुलाई के दिन जाओगे सुबह में 10 बजे से पहले, तो उससे पहले मैं वीडियो एक और डालूंगा, उसे भी देख के जाना, इसे भी देख के जाना, दोनों में से 100% एक क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि पीछे का सर आपका सेम टू सेम मिला था ना, कैसा गया एग्जाम आप लोग हमें जरूर बताना। चलो 26 का मैंने बताया था आंसर की क्या था, 26 का ऑप्शन नंबर मैंने आपको बताया था, ऑप्शन इसका बी करेक्ट था। 27 का भी मैंने शायद बताया था, 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही था, 27 का भी बी था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देख लो, 28 का जो आंसर की होगा नोट कर लोगे, ऑप्शन बिल्कुल इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 28 का सी करेक्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 का आंसर की नोट करोगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 29 का क्या होगा, डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, 29 के बाद है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, 30 का आंसर की नोट करोगे ना तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आप लोग प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि इस चैनल पर क्लास वगैरह भी होता है, नोट्स वगैरह भी आपको ऑलमोस्ट दिया जाता है, ठीक है ना। और आपको बता दूँ आपका जो है ना अगस्त में भी एग्जाम होगा, इसके बाद आपका टर्मिनल एग्जाम जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा का, तो ये भी आपका होने वाला है, शायद नेक्स्ट मंथ में भी होगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, रूटीन वगैरह डाल दूंगा और पेपर वगैरह इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।